सत्या चौधरी मरने वाली है? गुजरने वाली, कैंसर की बीमारी से। और इसके मरने के बाद क्या होगा? तुम इसकी तख्त पर बैठोगे, तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा, तुम्हारी शादी खुशहाल हो जाएगी। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझे, अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ, अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाते कि मेरे नजरों में इतना अंधेरा क्यों। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हमें को जंग लगा दे। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे, तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। शाम हमसे आगे निकल जाएगी। आप सही थे, मेरे अंदर कुछ बदल गया है। सफर की वजह से मुझे लगता है मुझे आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं, सौदा है। सोचना गलती है, लेकिन उस पर अमल करना गुनाह है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता। मुझे लगा आप समझेंगे। कोठा चलाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि धोखा देने के लिए हमसे इजाजत ली जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आपके शौहर अच्छे इंसान हैं। सिर्फ अच्छाई काफी होती है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। क्या